बिसमिलीम असल नादिन नादिन मैं हूँ सलमान खान और आप देख रहे हैं गुफ्तार चैनल नादिन आज हम मैं बात करूँगा ख़ुद पर यानी अपने आप पर यानी यूट्यूबर्स पर यानी सोशल मीडिया के लोगों पर और मिलाएंगे इसको इमरान खान के साथ मिलाएंगे इसको सियासत के साथ मिलाएंगे इसको मौजूदा दर के साथ मैंने आपको बता दिया था कि इमरान खान जो है इतनी जल्दी रिहा नहीं होंगे उसकी रिहाई से पहले देखें इससे पहले भी अगर कोई लोग रिहा हुए हैं या किसी लोगों को सेफ़ एग्जिट मिला है तो उन्होंने कोई ना कोई डील की है तब जाके उनको ढील मिली है तो वो डील करेगा नहीं ढील लेना नहीं चाहता लेकिन हम यूट्यूबर क्या करते हैं इमरान खान रिहा आगे सवाल या निशान इमरान खान की ज़मानत जज मजबूर हो गए और हमारे कुछ लोग ये देखें क्या वीडियो आ गई है क्या वीडियो है कुछ भी नहीं होती समझ गई ना यानी इस तरह के जब हम थम लगाते हैं तो हमारे जो ये जो हमारे होती हैं आवाम जो कि सुबह उठ के उठके, पहले होता था ना सुबह उठ के लोग काम करते थे अब सुबह लोग उठ के देखते हैं कि यार रात को कुछ हुआ तो नहीं इमरान ख़ान खैरियत से हैं कोई चेंजिंग तो नहीं आई क्योंकि सब एक इस तरफी कैफियत में है और ये देखो जनाब शर्मनाक वीडियो आ गई ठीक है और अब तो हमें ये पता चल गया कि किसकी वीडियो खोलनी है तो कौन किसके हक़ में बात करेगा और कौन किसके ख़िलाफ़ बात करेगा यानी जो है चीज़ें डिवाइड हो गई हैं बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है यानी अगर आप मेरा मोबाइल उठाएंगे, तो उनमें से मैं उन लोगों को सुनूंगा जिनकी धड़कने जिनका दर्द जिनका गम पी आई वाला है दूसरा जब न्यू लीग वाला होगा तो वो उन्हीं को सुनेगा जो उनके बात की बात करते हैं इसीलिए फिर हमारा माइंड भी वहाँ पर हो जाता है कि इस तरह की चीज़ों में हमें ये चीज़ भी रख याद रखनी चाहिए ठीक है ना ज़रा सा किसी ने अगर कोई बयान दे दिया तो एकदम से हमने थमने लगा ली और हमने कहा जी शेर अफजल खान जो है गद्दार हो गया और ये देखिए बेरस्टर गोहर ने क्या किया और ये देखिए क्या हुआ देखिए अंदर खाते में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सारी चीज़ों को मख्फी रखा जा रहा है बहुत सी चीज़ों को सामने नहीं लाया जा रहा है आपको पता तो है कि हर जगह पर मीडिया को रोका जा रहा है मीडिया को हटाया जा रहा है मीडिया हटता क्यों नहीं है देखिए ना हो सकता है कि उन्होंने कहा कि दस दिन तक इमरान से या पंद्रह दिन तक इमरान से मिलने कोई नहीं जाए कोई मुलाकात नहीं होगी कोई मीडिया का बंदा नहीं जाएगा आपने खबर बनानी होती आप भाग जाते यार दे दो दस दस दिन दे दो पांच दिन दे दो हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स इमरान से मिलना चाहता हो जो ये ना चाहता हो कि उसकी मुलाकात जो है वो मंजर आम पे आए हो सकता है कोई शख्स ऐसा आना चाहता हो जो कि वो अपने आप को मखफी भी रखना चाहता हो लेकिन हमने जनाब अपना YouTube चलाने के लिए अपना पैसा बनाने के लिए और अपनी चीज़ें जो हैं उसको वो करने के लिए ख़बर की उसकी सिचुएशन पर हम नहीं जाएंगे, उसकी डेप्थ पर नहीं जाएंगे, कोई कहीं पर भी बैठ के कुछ भी कह देगा जैसे मैं कह रहा हूँ सबसे तो पहले मैं अपनी बात कर रहा हूँ अगर आपने तज़ज़िया भी करना है तो बेहतरीन चीज़ ये है कि नेगेटिविटी के अंदर भी मनफी रुझान के अंदर भी आप मत चीज़ें देखिए वो जो नेगेटिविटी कर रहे हैं ना उनको ख़ुद भी पता है कि हम ये क्या कर रहे हैं उनको ये भी पता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं उनको ये भी पता है कि हमें ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए देखिए बहुत ज़्यादा जब आप इस तरह की चीज़ें भी करते हैं तो सच आपके सामने नहीं आता सच वो नहीं होता ज़रूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ सच वो नहीं होता जो कि एक बहुत अच्छा यूट्यूबर या बहुत अच्छा जो है वो एंकर भी आपको बता रहा हो क्योंकि हमारे पास तो यही सोशल मीडिया हाँ एक चीज़ है और वो ये है कि अगर कैमरे ने देखा कैमरे ने सुना वो मुझ तक पहुंचाया तो ये खबर है लेकिन अंदर क्या हुआ कौन आया कौन किससे मिला किसने क्या बात की हमें तो नहीं पता अब वो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो एक एक्टिविटी करेगा वो पता हो ना हो या कुछ भी हो देखें हर जगह पर लोगों का लोगों की सोच अपनी होती है उनका बयान करने का तरीका अपना होता है चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देते हैं थोड़े से टाइम देने और मुझे मैं बार बार आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ और मैं उस पर कायम हूँ मैं उससे इधर उधर नहीं जाऊँगा मैं कायम हूँ इस चीज़ पर जो कुछ मर्जी हो जाए इस्टेबलिशमेंट हो अच्छा मुझे एक बात बताए नवाज़ शरीफ को क्या कल को दोबारा सियासत छोड़ देनी है नून लीग को छोड़ देनी है पीपल्स पार्टी को छोड़ देनी है एम क्यू एम ने नहीं सोचना कि हमने आइंदा आने वाले में कुछ वक्त आता है आप नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं फिर इधर मुड़ते हैं फिर उधर मुड़ते हैं और फिर एक एट द एंड आपका ये हो जाता है कि आप किसी पॉइंट पे पहुंचते हैं जब तक हम किसी पॉइंट पे ना पहुंचे तो ये हो गया वो हो गया और ये देखिए और वो देखिए यानी आप पांच मुख्तलफ़ यूट्यूबर को जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं उनको देखें तो आपको पता चलता है कि पता नहीं क्या हो रहा है मुल्क में एक जगह सही नज़र आ रहा है जिस जगह गलत साथ ही फिर से एक ही बंदा था क्रेडिट गोज टू हिम और वह हैं इमरान ख़ान सुबह सुबह उसका वी लॉग सुनते थे वो जो कहता था कम से कम इथेंटिक होता था अपनी वी लॉग अपनी ख़बर के ऊपर सर्च करता था रिसर्च करता था कोई बात ऐसे नहीं कह देता था वो ग्राउंड की रियलिटीज और हकैक को बता देता था जब तक उसका वी लॉग आता था एक ही उसका वी लॉग सुन लेते थे तो इनफ था आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान रियाज खान को खुश रखें और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वी लॉग करें क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है और बाकी जो है बाकी भी करते रहे मैं भी तो कर रहा हूँ ना ठीक है कोई सुने या ना सुने लेकिन दुआ जरूर करनी चाहिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद थैंक यू